पुलिस और सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा कर रही है, और सरकार से तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब सरकार के मंत्री किसानों के लिए अपशब्द प्रयोग करने लगे हैं। मीनाक्षी लेखी की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, उन्हीं की कर रहे हैं, सरकार में उन्होंने ही किए हैं, लेकिन फिर भी किसान डटा हुआ है, किसान फिर भी देश की सरकार पे भरोसा करता है और आज भी इस उम्मीद में है कि ये बिल वापिस होंगे और MSP की। किसान अपनी संसद चला रहे हैं दिल्ली में, संसद के सामने, और मीनाक्षी लेखी उनको मवाली कह रही है, क्या मायने समझे जाए? वो भी मंत्री हैं, वो तो मूर्ख हैं। इससे अच्छा तो उस संसद को खत्म करके किसान की संसद को प्रमाणिकता दे दी जाए, अन्यथा वो आके एक बार सबके आई कार्ड चेक कर लें, आधार कार्ड चेक कर लें, ठीक है। उन्हें अपना बयान दिया है, केंद्र में मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, अगर इन 200 में से सभी के नाम और मोबाइल नंबर आधार कार्ड सरकार के पास जमा है, अगर इन 200 में से एक भी किसान नहीं है और मवाली है तो हम आंदोलन ख़त्म कर देंगे, और अगर नहीं तो वो इस्तीफा दें, सरकार इस्तीफा दे, मोदी इसकी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे और इस संसद को प्रमाणिकता दे। कार्ड की बात करें, कार्ड तो कई बार चेक हुए हैं कल। हाँ, तो उसके बावजूद सरकार के मंत्री क्या कह रही है, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। क्या सर मानेगी सरकार जंतर मंतर पर जो किसान संसद चल रही है उससे? बिल्कुल मानेगी, जंतर मंतर क्या, यहाँ भी किसान संसद चल रही है, मेरे पीछे मंच चल रहा है, यहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो बिल्कुल चलेगी। ऐसा नहीं कि ये बिल वापसी नहीं होंगे, ये 100% होंगे और MSP की गारंटी भी होगी। सर आपको नहीं लगता अगर किसान संसद चला रहे हैं संसद की तर्ज पर, जो देश की संसद है उसकी तर्ज पर चला रहे हैं, लेकिन जो देश की संसद है उसमें विपक्ष है, लेकिन किसानों की जो संसद है उसमें विपक्ष नजर नहीं आता, उसमें विपक्ष है ही नहीं सर। तो यही तो अच्छी बात है, जो मोदी सरकार को समझ नहीं रहे कि पूरा देश आज किसान के साथ है, मतलब किसान की संसद में विपक्ष नहीं है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसानों के समर्थन में ना हो। एक तरफ पूरा देश किसानों के समर्थन में है और एक तरफ दो व्यक्ति तानाशाह की तरह सिर्फ और सिर्फ संसद में गुलामों को बिठाकर गलत गलत शब्दों का प्रयोग करवा रहे हैं। आखिर क्यों? इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसद क्या होती है, संसद के अंदर हम सब का विश्वास है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसान ने 22 और 24 की तैयारी की है और संसद के अंदर भी जाएगा। आज भी चुनाव लड़के संसद का सदस्य बन के जाएगा या फिर चुनाव लड़के ही जाएगा? चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया में तो हम ही हैं जो आज भी सरकार का सम्मान करते हुए पदों का सम्मान करते हैं। उन्होंने किसानों का कितना सम्मान किया? कई लोग कहते हैं ना सीधे डायरेक्ट जाएंगे हम संसद में, ऐसा तो आतंकवादी जाते हैं ना सीधे। नहीं, आतंकवादी क्यों जाते हैं? आतंकवादी की हिम्मत है तो घुस के दिखाओ उन्हें, आतंकवादी को तो हम रोकेंगे। हाँ, तो सरकार रोकने में नाकाम रही ना, पब्लिक तो रोक लेगी, यहाँ घुसा के देख लो और कहीं घुसा के देख लो। हम देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। मतलब आप चुन के जाओगे? बिल्कुल चुन के जाएंगे, अच्छे तरीके से जाएंगे। आज किसान संसद चला रहा है, कुछ समय पहले किसानों ने या मजदूरों को खाना खिलाई, कही कि हमारा आदमी संसद के अंदर होना चाहिए तभी आवाज उठेगी, तो आप लोग राजनीति में क्यों नहीं जाते? हाँ तो आएंगे ना, आ रहे हैं ना धीरे धीरे। इस बार मोदी भी किसानों के दम पर आया है, आप थोड़ा समझिए। मोदी ने सबसे पहली रैली की, उसमें पहली ही बात क्या की थी कि पहली कलम से C2+50% का स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। अब उसकी कलम कहाँ खो गई, ये गलती उसकी है। उसके बाद वो धूर्तता पर आ गए और तानाशाह रवैया अपना लिया, जो कहीं से मिले, कांग्रेस से आए, BJP से आए, कहीं से आए, किसी और पार्टी से आए, तुरंत BJP में आओ, गंगा नहाओ, टिकट पाओ और फटाक से मंत्री बनो। आप एक ऐसे किसान, एक ऐसे नेता जो कहते हैं कि हमें संसद में जाना चाहिए, लेकिन जो तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ और भी लोग हैं वो संसद के लिए मना करते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। क्यों नहीं कर रहे? चडुनी जी कहने लग रहे सभी का है, सभी तो कह रहे है संसद, कहा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया एक हफ्ते के। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो SKM की अपना अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संसद की भी होनी चाहिए। एक तरफ आप किसान संसद की प्रक्रिया देखिए, एक तरफ आप उस संसद की प्रक्रिया देखिए। उस संसद में भी जो मीनाक्षी लेखी ने अपशब्द यूज किया, उसको भी 7 दिन के लिए सस्पेंड करना चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए आप खुद बताएं।
वो नहीं कर रहे, हम इसके बावजूद धरना कर रहे हैं। गर्मी में देखिए आप सामने कितनी धूप पड़ रही है और सर्दियां भी काटी है, उसके बावजूद भी हमारे किसान नेताओं पर जो इतना जुल्म सहते हुए यहाँ तक आंदोलन को लेकर आए हैं वो हाथ जोड़कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सर जो संसद होती है वो रिकॉर्ड होते हैं, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, क्या आपकी संसद में भी रिकॉर्ड की जा रही है सारी चीज़ें? आइए आप मीडिया का स्वागत है, कीजिए। नहीं हम तो थे वहाँ पर, ऐसा तो हमें नज़र नहीं आया। नहीं अभी कहाँ, इतना अगर संपन्न किसान होता तो यहाँ MSP की गारंटी और ये क्यों मांगता? मतलब आप किया जाएगा अगर आ गया सर? नहीं आप कीजिए ना, मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया का काम है वो कवर करना। मीडिया को तो कल जाने नहीं दिया था, बड़ा जुद्दो तो वो तो सरकार की गलती है ना। फिर आप सरकार के खिलाफ बात कीजिए, तानाशाह रवैया खत्म कीजिए। तानाशाहों से भी तो मुक्ति पानी है। आज आप देखेंगे तो किसान ही तो कर रहा है, देश में क्या काम है इनका? शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, खाद्य मंत्रालय है, इतने मंत्रालय हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा यहाँ हमने ही लगाया यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप। आज देश में कोरोना की वजह से खून की कमी है, किसान रक्तदान शिविर लगा रहा। लाखों किसान दिल्ली में 26 तारीख को गए, सरकार तब नहीं मानी, क्या आप 200 किसानों से मान जाएगी सरकार? 200 कहाँ है, उन 200 के पीछे ताकत देखिए, 200 क्या वहाँ एक बैठ जाएगा तो सरकार यूँ समझ लेगी एक है। 200 तो हमारे नेता वहाँ भेज रहे हैं हम कि हाँ सरकार ने कहा कम संख्या में भेजिए। यहाँ भी आप किसान का बड़प्पन देखिए, वो सरकार की बात मानते हुए 200 ही भेज रहा है। ये कि मैं यहाँ नहीं हूँ क्या, मैं नहीं जा सकता क्या, या वीज़ा लेना पड़ता है दिल्ली का? फिर भी सरकार को किसान ये बता रहा है भाई हम शांतिपूर्वक आपसे मांग कर रहे हैं, हमारा हक है और वोट दे रखा है, सरकार बना रखी है, हक है, हक आज हम मांग के ले रहे हैं। लेकिन सरकार ये ध्यान रखे हम हक छीन कर भी ले सकते हैं। सर आप एक संवेदनशील नेता, हर बेबाक बात करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं अपने शब्दों से, क्या लगता है आपको जो किसान संगठन है जो संयुक्त मोर्चा है उनमें भी कुछ मनमुटाव आने लगा है क्या बीच बीच? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मनमुटाव नहीं होता। आपका नाम गजेंद्र है, मेरा प्रदीप है, तो थोड़ा तो हम अलग हैं ही, सभी अलग हैं, दो भाई भी अलग हो सकते हैं, लेकिन मिशन सबका एक है। हमारी नीतियाँ अलग अलग हो सकती हैं लेकिन मिशन एक है, तीनों काले कानून वापस होंगे और MSP की गारंटी मिलेगी। इससे कंपेयर हम कभी भी कोई भी संगठन नहीं मानेगा। नहीं मिशन की तो बात हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ जो नेता हैं वो राजनीति के मिशन में जाना सोच रहे हैं और कुछ लोग जो नेता हैं वो सोच रहे हैं कि किसान जो कानून है कृषि कानून ये वापस हो। देखिए हमारी पहली प्राथमिकता है कि तीनों काले कानून वापस हों और MSP की गारंटी हो, इसके बाद आते हैं हम सरकार पर। सरकार हमने चुनी थी देश के अच्छे के लिए, वो अच्छा कर नहीं रही, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो कर नहीं रही है। अब जब सरकार नहीं कर रही तो ये भी किसान का फर्ज है, तो किसान राजनीति में भी आएगा, किसान मुद्दों पर वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। किस लिए दें? क्या इसलिए दें कि 8 महीने में यहाँ धूप में बिठाया, अभी और वक्त नहीं है? क्या इससे खुश होकर हम उनको वोट दे दें क्या? आगे भी देश को चलाना है, हमारी आने वाली नस्लें हमें कहेंगी कि आपने आंदोलन किया और उसके बाद सरकार नहीं पलटी तो आपने क्या किया। तो हम सरकार 100% पलटेंगे और BJP को यहाँ से उखाड़ फेंक देंगे। वहाँ तो हजारों लोग बैठे रहते हैं, आंदोलन करते हैं, अपने न्याय के लिए मांग करते हैं, लेकिन वहाँ अधिकतर लोग खाली हाथ लौटते हैं, क्या किसान भी सिर्फ एक रसम अदाई करने गए हैं दिल्ली में? ऐसा लगता है ओमदेव जी कि किसान खाली हाथ आ जाएगा। अगर किसान को खाली हाथ आना होता तो वो संसद तक जाता ही क्यों, वो यहाँ बॉर्डर्स पर बैठा। आप देखिए चीज़ों को सिलसिलेवार समझिए, पंजाब में पहले रेल रोको आंदोलन हुआ, पंजाब के बॉर्डर पर किसान बैठा, वहाँ से किसान दिल्ली के लिए चला, दिल्ली सरकार ने या केंद्र सरकार ने कहें पुलिस लगाकर किसान को दिल्ली के बॉर्डर्स पर रोक दिया, हमारे ऊपर पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े, हमने सब कुछ सहते हुए भी शांतिपूर्वक हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए। आज हम शांतिपूर्वक 200 लोग जंतर मंतर पर हैं, 200 लोग जंतर मंतर पर हैं, लाखों लोग दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं और करोड़ों लोग अपने घरों में। ये आप 3-tier सिस्टम समझिए, ऐसा नहीं है, वो हमारे 200 जैसे किसानों ने संसद बनाई है, सरकार में संसद है, वहाँ हम चुने हुए 550 प्रतिनिधि अपने भेजते हैं, ऐसे ही हमारे 200 प्रतिनिधि हैं जो हम भेजते हैं। आप संसद लग रही है किसानों की जंतर मंतर पर, ये कितना इफेक्ट डाल पाएगी जो भारतीय संसद पर? भारतीय संसद पर ये भारतीय संसद से ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि भारतीय संसद के अंदर आज कोई बोलने वाला नहीं रह गया, और कोई बोल रहा है तो वो अपशब्द बोल रहा है, गलत शब्द भी बोल रहा है, गलत मानसिकता के साथ
साथ है, ये लोग पवित्र आत्मा है और अच्छा पॉजिटिव सोच के साथ आज इसीलिए इनके साथ पूरे किसान खड़े हैं। आपने बार बार कहा कि सिर्फ 200 किसान, 114 करोड़ जनसंख्या जो पीछे है वो किसके लिए है? वो इस किसान संसद के लिए है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, या तो अभी भी संभल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि देश की 135 करोड़ जनता किसान संसद को असली संसद मानने लग जाए और वो अलग थलग ना पड़ जाए। सर, किसान बैठे हैं दिल्ली के चारों पांचों बॉर्डर्स पर, वहाँ लाखों की संख्या है किसानों की, क्या 200 किसान कितना असर डाल पाएंगे जब चारों बॉर्डर असर नहीं डाल पाए सरकार पर? नहीं, जब दो व्यक्ति असर डाल सकते हैं, दो व्यक्ति देश को बर्बाद कर सकते हैं, तो 200 व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा हैं। अमित शाह और मोदी दो व्यक्ति हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हुए काले कानून ले आए। अब 200 जो किसान हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, उनसे 100 गुना है। और उन दो व्यक्तियों के पीछे आज देश नहीं है, इनके पीछे 114 करोड़ लोग हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ से कहना चाहूँगा, अगर हिम्मत है तो छेड़ के देख ले सरकार, पता लग जाएगा कि संसद असली वो है या संसद वो है। संसद के अंदर लोगों की आस्था होती है, लोगों का विश्वास होता है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा। आज वो विश्वास किसान के साथ है, किसान संसद के साथ है, जंतर मंतर के साथ है, ना कि भारत की सरकार की संसद के साथ है।